पत्रकारों को दिखाया गया मधुमक्खी पालन, जल मीनार एवं पंचायतों में हुए विकास के अन्य काम। जिला मुख्यालय के पत्रकारों को आज तोपचाची प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का भ्रमण कराकर वहां चल रही सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू कराया गया। भ्रमण के दौरान पत्रकारों को पावापुर पंचायत में ले गया, वहाँ सुदेश प्रसाद द्वारा मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। साइड से आ जाइए, इधर से देख लीजिएगा, इधर से देखिए। इधर आप अपनी एक निकाल लो। आप हाँ निकाल लो, आप लोग थोड़ा थोड़ा निकाल लीजिए। हेवी वाला निकाल, थोड़ा हेवी वाला हम निकाल लेते हैं। एक मिनट सर, सर आइए, अभी आ जाए ना, बंटी इधर आ जाना, काट लेगा, भागना मुश्किल कर देगा, भागने से और पीछा करके काटेगा। सुदेश प्रसाद ने बताया कि सरकार की योजना के तहत उन्होंने 20 बॉक्स में मधुमक्खी पालन आरंभ किया है। प्रति माह एक बक्से पर 150 रुपए खर्च आता है। 20 बॉक्स में मधुमक्खी पालन से उन्हें लगभग 40 किलोग्राम शहद प्राप्त होगा। शहद को निकालने के लिए उन्हें सरकार की ओर से सेंट्रीफ्यूगल बॉक्स भी प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन से उनकी आय में वृद्धि होगी। रस फसल होगा, इसको जितना भी मिलेगा रस उसके अनुसार से अक्टूबर से मार्च तक का इसका उत्पादन का है, और एक बक्सा में अच्छा से अगर मिल जाए तो 40 से 50 केजी शहद प्राप्त हो जाएगा आपको एक साल में। अच्छा, कितने बक्से हैं आप लगा रखे? 20 बक्सा है। अभी तक तो हम कभी इसका अभी निकाले नहीं है, अभी नया नया है, एक से डेढ़ महीना हुआ है स्टार्ट किए। सरकार से आपको क्या सपोर्ट मिला? सरकार से टोटल सपोर्ट सरकार से ही मिला। क्या बक्सा मिला है? मधुमक्खी भी मिल गया है, इसका जो एक्सट्रेटर है जो मधुरूस निकालने का यंत्र है वो भी मिला हुआ है, और ये पालन हम कर रहे हैं। इसका प्रशिक्षण भी आप पाए हैं? प्रशिक्षण जो भी है प्राइमरी प्रशिक्षण जो भी यहाँ पर आकर जो दिए हैं वही पालन। तो इसको पालने में और कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत यही है कि रस मिलना चाहिए, खेती होना चाहिए अगल बगल, अमरूद का पेड़ बाल बगीचा हो उससे निकलेगा शहद। प्रति एक वो ये जो है बक्सा है उसको कितना लगभग खर्च होता है? लागत कितना आ जाता है? लागत आपको मार्च से लेकर अक्टूबर तक इसको चीनी पिलाना, कॉस्ट खर्च की बात, अब यही तो बता रहे हैं। तो अभी तो हम तो डेढ़ महीना अभी हमारा हुआ है, तो एक महीना में लगभग मेरा अभी 3000 रुपया खर्च आ चुका है सभी बक्सा जी। तो 150 रुपया करके पकड़िए, मैंने जो चीनी का खर्च है एक महीना। फिर शहद जब बनेगा? इससे शहद नहीं निकलेगा। अच्छा, ये सिर्फ अभी उसका मैंने सर्वाइव खाना दे रहे हैं उसको जिंदा रखने के लिए। उसको जिंदा रखने के लिए सर्वाइव करना। तीन तरह का मक्खी होता है, एक तो रानी मक्खी, वो एक बक्सा में एक ही होती है जो अंडा देने का काम करती है, दूसरा ड्रोन है नर मक्खी, और तीसरा है वर्कर जो शहद इकट्ठा कर काम करता है। तो शहद इकट्ठा करना, ड्रोन को सबको खाना चाहिए, तो उसके लिए रस चाहिए। अभी जैसे हम इसमें डाले हुए हैं फूड लगाए हुए हैं, चीनी का रस इसमें डाला हुआ है, हर 2 दिन में लगा देते हैं इसमें। ये आप अभी नया स्टार्ट किए हैं, लेकिन अनुमानतः सालाना आय आपकी क्या हो जाएगी इससे? आय का मैंने ऐसे जो जानकारी मिला है तो प्रति केजी 200 से 300 रुपये केजी है इसका सेलिंग प्राइस। तो साल में कितना? अगर 40 केजी भी अगर मान लेते हैं एक बक्से में, एक बक्सा में तो 1200 केजी होगा। 1200 केजी अगर प्रोडक्शन हो जाता है तो 12 दुनी 24,000, साल का 24,000 अतिरिक्त आय है। ये अतिरिक्त आय जो सरकार का योजना है किसान का आय बढ़ाने का, उसमें सहयोग करें। भ्रमण के दौरान हरिहरपुर पंचायत का भी दौरा किया गया। यहाँ कोरकोट्टा आजीविका महिला ग्राम संगठन का गठन किया गया है। इस संगठन को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एवं NRLM द्वारा सहयोग दिया गया है। संगठन की रीता देवी एवं परमिला देवी ने बताया कि उनके समूह में 18 ग्रुप है। पहले वे बैंक से ऋण लेकर अपना छोटा मोटा व्यवसाय करती थी, लेकिन समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आसानी से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो जाता है। इससे समूह की महिलाएं विभिन्न प्रकार का व्यवसाय करती हैं, जिससे उनकी गरीबी दूर हुई है। समूह से जुड़ने के बाद समूह की दीदी घर से बाहर निकल रही है। उन्हें समूह के द्वारा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी मिल रही है। नवंबर 2018 में शुरुआत हुई थी, समूह बना था जिसमें 12 से 15 महिला जुड़ी हुई है। कुल हमारे ग्राम से कुल 18 समूह बना, और कुल 18 समूह में 212 जो सदस्य जुड़ी हुई है उसको लेके अभी 18 तारीख को हम लोग 28 तारीख को
इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है, इससे महिलाओं को फायदा क्या है? इससे महिलाओं का फायदा ये हो रहा है कि जो बाहर से ब्याज से जो ऋण लेती थी उसमें 10-12% लगता था, लेकिन समूह के माध्यम से अभी 13% में ऋण मिल रहा है। और इससे लेके आपका छोटा छोटा योजना आपका आजीविका बढ़ा रही है। और अपना बैंक से भी लोन लेती थी पहले, तो वो अपना वहाँ से भी 18-20% लग रहा है, लेकिन हम लोग समूह के माध्यम से 1.5% में बैंक से भी लोन दिला रहे हैं। समूह से जुड़कर महिलाएं संतुष्ट हैं? जी हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। उपलब्धि क्या अभी कुछ उपलब्धि हुआ है? जी हो रहा है, कोई कोई दीदी बकरी पालन कर रही है, फिर स्कूल का ड्रेस भी बना रही है, इस तरह से अपना काम कर रही है। बहुत ही परिवर्तन हुआ, पूर्व में महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, आज अपने से जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं या किसी का सहायता नहीं है, जो महिलाएं हैं अपने से कार्यक्रम करती हैं। और प्रत्येक जगह जब ग्राम संगठन का आयोजन होता है या विलेज और बीओ का, तो आप जब देखिएगा तो आपको लगेगा कि अरे काफी अच्छा आयोजन है। और जो भी महिला है, आप ये महिला गांव की महिला पहले घर से बाहर नहीं निकलती, ये नहीं निकलती, आज सारा कार्यक्रम का संचालन अपने स्तर से करती है। और इसके साथ ही हम बताना चाहेंगे कि इन लोग के कार्य से इस प्रखंड में 2700 बच्चों का ड्रेस के द्वारा भी सप्लाई किया गया, खुद से किया। कुछ महिलाएं जो है घूमो में चले जाइएगा तो सिलाई करके सीख करके ड्रेस सप्लाई करती है, दुकान चला रही है। तो इनमें पहला तो है कि मनोबल में बढ़ोतरी हुआ है, हमारे पास आती है, समस्याएं बताती है, दूर करवाने की कोशिश करती है। साथ ही सरकार के द्वारा प्रत्येक पंचायत में उज्ज्वला दीदी का चुनाव हुआ है, वो उज्ज्वला से संबंधित योजनाओं की जानकारी देते हैं। इसके अलावा हम लोग भी जब बैठक का आयोजन करते हैं तो सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हैं ताकि घर घर पहुंच सके, क्योंकि एक समूह में 10-15 महिलाएं हैं, यहाँ पर लगभग 900 ग्रुप्स हैं, 900 ग्रुप यानी कि 9000 महिलाएं जुड़ी हुई है, लगभग हर एक परिवार से ये जुड़ी हुई। इसी पंचायत की कल्पना देवी, खेतनी देवी एवं अलकाही देवी ने बताया कि उनके पंचायत में जल मीनार स्थापित हो गया है जो सोलर पंप सेट से चलता है। अब महिलाएं जल मीनार से स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल प्राप्त करती हैं, बच्चे भी यहां आकर जल ग्रहण करते हैं। इससे पहले उन्हें दूर दूर से पेयजल लाना पड़ता था जिसमें बच्चे भी सहयोग करते थे, इस कारण बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी बाधा उत्पन्न हो रही थी। लेकिन जल मीनार की स्थापना हो जाने से गांव के लोग काफी प्रफुल्लित हैं और सुकून महसूस करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके पंचायत में 4 जल मीनार है जहां से 150 से 200 लोग पानी भरते हैं। हम लोग गांव से पानी लाते हैं, घींच के कुआं से, किसी को घर से, अपना घर से, तो बच्चा को वही पानी पीले वो करते थे और वही पानी हम लोग खाना भी बनाते थे। तो फिर एक बार बोरिंग आया तो उधर पर गया तो नहीं चम पानी निकला, तो फिर एक बार आया तो ये वाला पड़ा तो थोड़ा बहुत पानी निकला, तो वही से हम लोग पानी चलाते थे कम बेसी करके बचा के। तो इन साल जल मीनार बनने से क्या आपको फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ नाल बनने से, बच्चा के भी भाई सुविधा हुआ, हम लोग के पानी देने के लिए मैंने बंद हो गया और बच्चा अपना से पानी पी लेता है। बहुत फायदा हुआ भाई, बहुत फायदा हुआ। हम लोग घर से पानी लाते थे, किसी को घर से लाते थे, अरे उधर चापाकल से लाते थे, तो जब चापाकल हो गया ना तो हम लोग का सुविधा, जब ये लग गया तो और सुविधा हम लोग का हो गया। गाँव वाला लगता है, बस्ती वाला लगता है, सब लोग हम लोग भी लेते हैं, बच्चा लोग पीता है, पानी हर समय रहता है। हाँ, पानी। तो चाची प्रखंड के रंगडी टाट पंचायत में LED स्ट्रीट लाइट लग जाने से वहाँ के ग्रामीण भी हर्षित हैं। इसी पंचायत में 70 ट्रेंच कम बाउंडिंग तथा 10,000 पौधा रोपण किए गए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि 3 फीट गहरा, 3 फीट चौड़ा और 12 फीट लंबा एक TCB में लगभग 1,00,000 भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाने की क्षमता है। उन्होंने बताया कि वन विभाग द्वारा यहां 10,000 पौधा रोपण किया गया है जो आने वाले दिनों में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इस दौरान पत्रकारों को तोपचाची झील का भी भ्रमण कराया गया। भ्रमण के दौरान विभिन्न समाचार पत्र के संवाददाता, छायाकार तथा इलेक्ट्रॉनिक चैनल के प्रतिनिधि एवं कैमरा पर्सन भी उपस्थित थे। ये सबका गाड़ी है, 2 गाड़ी इतनी कौन सी क्या आदमी है, हमारी गाड़ी में बैठिएगा तो 4 हमने जाके रोजे का दिन है, बिना मोटर का पानी चला जाता था उसमें।